हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप लोग क्लासेस के करंट अफेयर सीरीज में। दोस्तों, आज की इस करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत हम दो टॉपिकों पर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे दोस्तों, जो हमारे करंट अफेयर के टॉपिकों से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। और आज के सेशन में मैं आपको बता दूं दोस्तों, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके आज के सेशन में आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि कनाडा में दोस्तों अभी आपातकाल लगा हुआ है। अभी आपातकाल की घोषणा हुई है, जो कि कनाडा के इतिहास में पहली बार वहां पर एक आपातकाल लगा हुआ है। और उसके बाद दोस्तों सेकंड टॉपिक में हम देखेंगे कि केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में एक फिर से एक बड़ा फैसला लिया है। जस्ट 2020 के बाद में ये केंद्र सरकार का एक अगला फैसला है, जिसमें लगभग 54 मोबाइल एप्स को जो है दोस्तों बैन करने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इन ऐप पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है, और क्या इसके पीछे विशेष कारण है, और क्या इस के पीछे क्या उद्देश्य रहे हैं इन ऐप को प्रतिबंधित करने के। और इन सब के अलावा दोस्तों, असम सरकार, सोलोमन द्वीप और कोरोना वायरस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पर भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि वन लाइनर फैक्ट के रूप में आपके सामने होंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सीरीज को। दोस्तों, सीरीज को शुरू करें उससे पहले आप एक बार कैनेडा की स्थिति को विश्व जो मैप है, हमारा वर्ल्ड मैप है, उसके अंदर आप एक बार कैनेडा की स्थिति को देख लीजिए कि कनाडा कहां पर है, जिससे कि आपको पूरा व्यूज क्लियर होता चलेगा, पूरा समझ आता चलेगा कि वाकई में हम किस देश की बात कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि ये पूरा वर्ल्ड मैप है, ये पूरा विश्व का मानचित्र है। इसके अंतर्गत दोस्तों ये हमारा प्यारा भारत, ये जो मैप में दिख रहा है आपको, ये हमारा प्यारा भारत है। इसके अलावा दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, ये पूरा एशिया कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों ये उत्तर अमेरिका के नाम से जाना जाता है और ये दक्षिण अमेरिका के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दोस्तों ये उत्तर अमेरिका के उत्तर में जो ये रेड रेड कलर दिख रहा है आपको, जो रेड कलर में दिख रहा है दोस्तों, ये पूरा एक कनाडा देश है, ठीक है। तो दोस्तों अभी फिलहाल में यहीं पर एक इमरजेंसी एक्ट लागू किया है वहां के प्रधानमंत्री ने। तो वो क्यों किया है, क्या विशेष कारण है, उसके किन उद्देश्यों को लेकर के वहां पर जो है यहाँ इमरजेंसी लगी अर्थात आपातकाल की घोषणा हुई है, तो उन सबको दोस्तों हम इस सीरीज के अंदर जानने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ में इसके महत्वपूर्ण तथ्यों पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों जाने हम इसकी इमरजेंसी के बारे में, उससे पहले हम थोड़ा सा जो है कनाडा के बारे में जान लेते हैं कि कनाडा जो देश है उस देश की विशेषता क्या है, अर्थात उसका एक सामान्य परिचय हम देख लेते हैं, उसका सामान्य परिचय हम देख लेते हैं दोस्तों। तो चलिए आ जाइए फटाफट स्लाइड पे, दोस्तों आ जाइए स्लाइड पर। कुछ बेसिक तथ्य हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दरअसल हमें बात करनी है कनाडा में लगे हुए आपातकाल की, लेकिन दोस्तों जब हम इस सीरीज पर बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना कनाडा के जो सामान्य परिचय है उस पर भी हम एक बार चर्चा कर ले। जैसा कि दोस्तों आप मानचित्र में देख पा रहे हैं कि कनाडा उत्तरी अमेरिका का एक देश है। उत्तर अमेरिका का दोस्तों ये देखिए, उत्तर अमेरिका का एक देश है जिसमें 10 प्रांत और 3 केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखिए दोस्तों, 10 प्रांत है और 3 केंद्र शासित प्रदेश है। यह महाद्वीप उत्तर भाग में स्थित है, जो अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक और उत्तर में आर्कटिक महासागर तक फैला हुआ है। दोस्तों यह मानचित्र में, इस मैप में जरा देखने का प्रयास करें आप, ये है आपका अटलांटिक महासागर दोस्तों, अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक ये फैला हुआ है। तो ये दोस्तों देखिए, कनाडा का विस्तार जो है ये इधर अटलांटिक महासागर से मिलता है और इधर प्रशांत महासागर से मिलता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कहा गया है कि कनाडा अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर में और उत्तर में दोस्तों, ये ऊपर की ओर देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर एक आर्कटिक महासागर यहाँ विस्तारित है, आर्कटिक महासागर है, तो उसकी उत्तर में आर्कटिक महासागर से मिलता है, ठीक है। इसका कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 99 अर्थात 99.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। और इसके क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों ये विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व का दूसरा बड़ा देश है। इसकी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज्यादा मिलती है। और दोस्तों ये एक विकसित राष्ट्र है,
कनाडा जो है एक विकसित राष्ट्र है। इसकी प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये विश्व में 10वें स्थान पर आता है। प्रति व्यक्ति आय में 10वें स्थान पर आता है, और मानव विकास सूचकांक पर भी इसकी रैंकिंग दोस्तों 9वें नंबर पर होती है। जो मानव विकास सूचकांक की रैंकिंग हर साल निकलती है, उसमें भी ये हमेशा 9वें नंबर, अधिकतम अभी जो वर्तमान में है वो 9वें नंबर पर है। तो दोस्तों इसकी सरकार पारदर्शिता, नागरिक स्वतंत्रता, जीवन आर्थिक स्वतंत्रता और शिक्षा की गुणवत्ता में अंतरराष्ट्रीय माप के सबसे ऊंची रैंकिंग में आता है ये, ठीक है। और कनाडा राष्ट्र के राष्ट्रमंडल का सदस्य है दोस्तों, यहाँ पर इस बात को याद रखेंगे, राष्ट्रमंडल का सदस्य है। इसके साथ ही यह कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और अंतर सरकारी संस्थाओं या समूहों का हिस्सा है। इनमें संयुक्त राष्ट्र, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन G8 या प्रमुख 8-10 देशों के समूह G20, उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता, इस प्रकार के जो संगठन है दोस्तों उनका भी ये सदस्य रह चुका है और वर्तमान में भी इनका सदस्य है। तो ये था दोस्तों कनाडा का सामान्य परिचय। इसमें आपको कुछ फैक्ट याद रखने हैं, जैसे कि इसका क्षेत्रफल आप याद रखना आवश्यक है, किस प्रकार की रैंकिंग में ये किस स्थान पर आता है, ये आकार की अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से ये पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर आता आता है, ठीक है। इसकी अवस्थिति कहाँ पर है, तो ये मैप के द्वारा आप इसको भली भांति रूप से समझ सकते हैं दोस्तों, है ना। मैप के द्वारा आप इसको समझ सकते हैं, इसकी अवस्थिति को देख सकते हैं कहाँ पर, कि पूरे विश्व मैप में कहाँ पर ये अवस्थित है। चलिए तो अब दोस्तों हम बात करेंगे कि कनाडा में ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिसके कारण कनाडा में कनाडा की सरकार ने इमरजेंसी लगा दी दोस्तों, इमरजेंसी एक्ट लागू कर दिया। ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी, तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कोविड स्वास्थ्य नियमों के खिलाफ ट्रक वालों के विरोध प्रदर्शन को समाप्त करने हेतु राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है दोस्तों। तो इसको एक लाइन में समझिए, एक लाइन में इस घोषणा को समझिए कि कनाडा में जो आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हुई है, अर्थात आपातकाल जो सरकार ने लगाया है, वो इसलिए लगाया है कि कोविड-19 को लेकर के, कोविड की समस्या को लेकर के कुछ लोगों ने, कुछ वहां के नागरिकों ने जो है एक प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन चालू कर दिया है सरकार के खिलाफ। इस कारण से उस विरोध प्रदर्शन की जो भयानक परिस्थितियां उत्पन्न होने वाली है, उनसे बचने के लिए ही वहां की सरकार ने कनाडा में जो है इमरजेंसी एक्ट लागू कर दिया है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 14 फरवरी 2022 को इमरजेंसी एक्ट लागू किया, और इसका कारण दोस्तों, इसका कारण क्या रहा है, ये शायद आपको स्लाइड में दिख नहीं होगा दोस्तों, एकदम कुछ ज्यादा ही इसमें लाइट डार्क हो चुका है। इसका कारण क्या है, तो एक्चुअली कारण को इसको ऐसे समझ लीजिए दोस्तों, इसका कारण क्या है, तो जैसा कि हमने प्रारंभ में ही बात की है कि भाई इसका जो इमरजेंसी एक्ट लागू हुआ है कनाडा में, उसका कारण ये रहा है कि वहां के कुछ नागरिकों ने या ट्रक ड्राइवरों ने मिलकर के दोस्तों सरकार के विरोध में प्रदर्शन जारी कर दिया है कोविड-19 की समस्या को लेकर के, कि उन लोगों का अर्थात प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार कोविड की जो भयानक परिस्थितियां है उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, या कहें कि लॉकडाउन जो है समय से पहले खत्म कर दिया है, या वैक्सीनेशन का जो योजना चल रही थी, वैक्सीनेशन चल रहा था, वो वैक्सीनेशन भी समय से पहले खत्म कर दिया है, अर्थात फ्री वैक्सीनेशन जो योजना होती सरकार की वो जल्दी समाप्त कर दी गई, जबकि पूरी पब्लिक को अभी वैक्सीनेटेड नहीं हुई है, पूरी पब्लिक अर्थात सभी को अभी तक कोरोना वायरस के टीके नहीं लगे हुए हैं। तो इन सारी समस्याओं को लेकर के ही नागरिकों ने और ट्रक ड्राइवरों ने मिलकर के जो है प्रदर्शन जारी कर दिया, और उन्हीं प्रदर्शनों को रोकने के लिए ही दोस्तों, उन्हीं प्रदर्शनों को रोकने के लिए ही सरकार ने इमरजेंसी एक्ट लागू कर दिया, ठीक है। तो अब इसका प्रभाव क्या होगा, क्या प्रभाव होगा इसका, तो दोस्तों नाकेबंदी और विरोध को संभालने के लिए संघीय सरकार को, अर्थात जो सरकार है उसको अधिक अधिकार, आपको ये देखिए, ये तो स्थिति पता है कि जैसे अगर हम भारत की भी बात करें दोस्तों, तो कहीं ना कहीं देखिए लोकतंत्र जहां पर है, तो वहां जहां जहां लोकतंत्र है दोस्तों, वहां के कुछ रूल्स जो होते हैं ना, वो लगभग लगभग एक जैसे ही होते हैं। अब जब भारत की हम बात करते हैं, जैसा कि हमें, हमारे संविधान ने हमें 6 मूल अधिकार प्रदान किए हैं, तो ये जो 6 मूल अधिकार हमको प्रदान किए गए हैं दोस्तों, ये सिर्फ सामान्य परिस्थितियों में ही हमको प्राप्त है, अर्थात कि भारतीय नागरिकों को वो जो मूल अधिकार है वो सामान्य परिस्थितियों में प्राप्त है। लेकिन कभी अगर देश में आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में सभी मूल अधिकारों को छीन लिया जाता है, ठीक
ठीक है। तो इसी प्रकार से जब कनाडा में दोस्तों आपातकाल की घोषणा करने के बाद में केंद्र सरकार के पास में अधिक शक्तियां आ जाएगी, और वो केंद्र सरकार के पास में अधिक शक्तियां आने से विरोध प्रदर्शनकारियों को रोकने में ये सक्षम हो सकती है, ठीक है। इसी कारण से दोस्तों वहां पर जो है इस प्रकार के जो इमरजेंसी एक्ट है उसे लागू किया गया है। तो यहां पर देखिए, अभी मैप में देख पा रहे हैं आप, मैप में देख पा रहे दोस्तों इस प्रकार से प्रदर्शनकारी पीछे देखिए ट्रक वाले हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, ये ट्रक ड्राइवरों के द्वारा दोस्तों काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पर हड़ताल की जा रही है, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, ठीक है। तो कनाडा में 50 साल में, कनाडा में अब यहाँ पर एक बात आती है दोस्तों कि क्या कनाडा में इससे पहले भी कभी इमरजेंसी एक्ट लागू हुआ है, क्या कनाडा में पहले भी कभी आपातकाल की स्थितियां उत्पन्न हुई थी? तो नहीं, कनाडा में 50 साल में पहली बार इमरजेंसी एक्ट लागू हुआ है, पहली बार इमरजेंसी एक्ट लागू हुआ है, और इसी कारण से दोस्तों कनाडा इतनी ज्यादा चर्चा में है, ठीक है, क्योंकि पहली बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई है जो कि एक विकसित कंट्री है ना। तो कनाडा के इतिहास में ये पहला मौका है जब आपातकाल की घोषणा हुई है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर एक चीज और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है कि सीपीआर टेस्ट क्या होता है, ये सीपीआर टेस्ट का मुद्दा क्यों उठा यहां पर? तो विरोध प्रदर्शनकारियों का जो विरोध प्रदर्शनकारी है दोस्तों, जो विरोध कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका एक और डिमांड है कि जो सीपीआर टेस्ट है, सीपीआर टेस्ट है, इस पर जो घोषणा सरकार की हुई है उस घोषणा को सरकार वापस ले। अच्छा, तो अब इस पर घोषणा क्या हुई है? तो घोषणा ये हुई दोस्तों कि कनाडा की सरकार टीकाकरण पूरा करा चुके लोगों के लिए अनिवार्य सीपीआर टेस्ट को समाप्त करने की तैयारी कर रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि जिन जिन लोगों को कोरोना के टीके लग चुके हैं, कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है, उनको अब सीपीआर टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यह फैसला लागू, जैसे ही यह फैसला लागू होगा सरकार का, इसके बाद कनाडा के किसी भी नागरिक को किसी दूसरे देश में अगर जाना होगा, किसी दूसरे देश में अगर जाना होगा दोस्तों, तो इस प्रकार के टेस्ट की कोई उसको कराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए, इसके जस्ट बाद में दोस्तों हम बात करेंगे कि इन विरोध प्रदर्शन का कारण क्या है, भाई विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं ये लोग। तो ये अब तक की चर्चा में हम समझ चुके हैं कि कोरोना, विशेष करके कोरोना वायरस की समस्याओं से जूझते हुए जो प्रदर्शनकारी है, उन समस्याओं से जूझते हुए ही इस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग। तो कनाडा में कोविड वैक्सीन को अनिवार्य बनाए जाने और लॉकडाउन लगाए जाने को लेकर के प्रदर्शनकारी प्रदर्शन जारी है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कोरोना की जो वैक्सीन है, वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम सरकार चलाती है, केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है कनाडा में, और इसी बात को लेकर के ये जो है ट्रक के ड्राइवर या सामान्य नागरिक जो है रोड पर आ चुके हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के विरोध में। पिछले 3 हफ्ते से ट्रक और दूसरे वाहनों के साथ हजारों की जनसंख्या में प्रदर्शनकारियों ने राजधानी ओटावा की सड़कों को बंद कर दिया। इससे जनजीवन ठप पड़ गया है और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन को रोकने के लिए जस्टिन जोड़ो, जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री है, इन्होंने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकाल अधिनियम के तहत ये कदम ट्रूडो सरकार ने प्रदर्शनकारियों को मिलने वाले फंड में कटौती करने हेतु उठाया है। हालांकि दोनों ने कहा है कि सरकार शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाएगी, और लेकिन साथ ही साथ में सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर गैर कानूनी और खतरनाक गतिविधियों में लिप्त होने का भी आरोप लगाया है, और उनको चेतावनी देते हुए कहा है कि ट्रक चलाने वालों को चेतावनी दी है कि यदि प्रदर्शन में उनके ट्रकों का इस्तेमाल अगर हुआ तो कारपोरेशन अकाउंट जो होते हैं, कारपोरेशन जो अकाउंट होते हैं उनको फ्रीज कर दिया जाएगा, उनको फ्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो पिछले 50 वर्षों में कनाडा में कोई आपातकाल नहीं लगाया गया है। इस अधिनियम का इस्तेमाल देश में संकट के समय में किया जाता है। भाई जो आपातकाल के जो आपातकाल अधिनियम होता है, इमरजेंसी एक्ट जो होता है किसी भी देश का, वो सिर्फ दोस्तों इमरजेंसी समय के लिए ही होता है, सामान्य परिस्थितियों के लिए नहीं होता है। लेकिन कनाडा में कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो चुकी थी कि सरकार को इस एक्ट को लगाना आवश्यक महसूस हुआ और उन्होंने जो इमरजेंसी एक्ट को लागू कर दिया। तो प्रधानमंत्री जस्टिन जोडो ने कहा कि यह कड़ाई लोगों को सुरक्षित रखने,
लोगों की नौकरियों की रक्षा करने और हजारों संस्थानों में विश्वास और हमारे संस्थानों में विश्वास बहाली करने के लिए एक जरूरी कदम है। तो सरकार ने अपनी सफाई देते हुए जब उन जब सफाई देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया है कि इन्होंने जो लॉकडाउन लगाया है, माफ करना, आपातकाल की घोषणा की है, जो आपातकाल लगाया है उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार से प्रदर्शन हो रहे हैं उससे जनजीवन ठप पड़ चुका है, जनजीवन को भी काफी हानि हो रही है और इस हानि से जनता को बचाने के लिए ही आपातकाल की घोषणा की है। हालांकि इस आपातकाल की घोषणा का काफी विरोध किया जा रहा, काफी आलोचनाओं से इनकी घोषणा को गुजरना पड़ रहा है, अर्थात सरकार ने जो घोषणा की है आपातकाल की उसकी काफी आलोचना, विश्व स्तर पर भी काफी आलोचना हो रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस प्रकार से हमारा कनाडा पे जो डिस्कशन था, कनाडा के आपातकाल पर डिस्कशन था दोस्तों, वो कंप्लीट हो चुका है। इस पे कुछ आवश्यक फैक्ट थे जो आपको मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ, इन्हें आप नोट डाउन करेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि करंट के फैक्ट है, अगर आपको याद रहते हैं तो आपकी आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, और वो बड़ा ऐलान है क्या कि चीन के 54 मोबाइल ऐप को, 54 मोबाइल ऐप को सरकार ने फिर से बैन कर दिया है, फिर से बैन कर दिया है, और बैन करने के पीछे तर्क दिया है कि केंद्र सरकार का कहना है कि इन ऐप से भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को खतरा है, इसलिए इन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने देश के सुरक्षा पर खतरा पैदा करने वाले 54 चीनी एप्स पर प्रतिबंध लगाया, और यह जानकारी इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने 14 फरवरी 2022 को दे दी थी, सार्वजनिक कर दी थी। ठीक है, अच्छा इसके पीछे कारण क्या है, इन एप्स को प्रतिबंध करने के पीछे कारण क्या है, तो वो विशेष कारण क्या है दोस्तों, देखिए विशेष कारण तो मैं भी समझता हूँ और आप भी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि जो पुलवामा का जो अटैक हुआ था, पुलवामा के समय में जब हमारे यहाँ पर एक भयानक स्थिति चल रही थी, उस समय से पहले से ही दोस्तों चीन बॉर्डर पर हमारे साथ में काफी चीन के साथ में तनातनी चल रही थी। ठीक है ना, तो वो चीन के साथ में जो हमारी सेना की तनातनी चल रही है उसी को, उसी के जो चीन का जवाब था, चीन की जो कार्रवाई थी उसके जवाब के परिप्रेक्ष्य में ही दोस्तों 2020 में भी लगभग 270 एप्स को बैन किया था भारत ने, और अब फिर से सरकार वापस से मोड़ में आ चुकी है चीन को वापस से मार्केट से बाहर करने के लिए। तो इसी प्रकार से दोस्तों सरकार का ये भी काफी बड़ा कदम है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर खाली ये ऐप को बैन करने से क्या होता है ना, तो दोस्तों ऐप को बैन करने से जिस प्रकार से ये ऐप होती है, ये ऐप करोड़ों में कमाती है, ठीक है, करोड़ों में कमाती है, और पूरे विश्व में भारत काफी एक बड़ा बाजार बन चुका है, विश्व के लिए एक बड़ा बाजार बन चुका है कि जितनी खपत हमारे यहाँ पर होती है विश्व के किसी अन्य देशों में इतनी खपत नहीं होती है। ठीक है, तो इन एप्स को जो प्रतिबंध किया जा रहा है दोस्तों, तो इससे चीन की अर्थव्यवस्था को धक्का लगता है। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने सुरक्षा को लेकर कदम उठाया, और सरकार ने सुरक्षा पर खतरा पैदा करने वाले चीनी ऐप को प्रतिबंध लगाएगी, और ये जानकारी इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने हमको सार्वजनिक की है, अर्थात हमको प्रदान की है, और कारण इसके पीछे बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय का कहना है कि यह एक चीन जैसे विदेशों में भारतीयों के संवेदनशील डाटा को सर्वर पर ट्रांसफर कर रही थी। अब जरा इसको समझेंगे आप लोग कि डाटा को सर्वर पर ट्रांसफर कर रहे थे, इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, जैसा कि आपको बताएं कि जो आपका डाटा होता है वो डाटा कहाँ पर सेव रहता है, देखिए एक जो टेलीकॉम कंपनी होती है, कोई ऐप कंपनी होती है, तो वो कंपनी कोई अपने ऐप में आपका डाटा सेव नहीं रखती है, बल्कि आपका पूरा डाटा, आपका हमारा जो भी डाटा होता है दोस्तों, वो सारा का सारा डाटा सर्वर पर जो है सेव होता है। ठीक है, तो एक जो डाटा होता है वो काफी सिक्योरिटी के साथ में उसको सेव रखा जाता है, किसी और के साथ उसे शेयर नहीं किया जाता है ना, तो ये जो है अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ भी है ये, लेकिन सरकार ने ये साबित किया है कि इनमें से जो चीनी एप्स है ये अपने सर्वर से दूसरे सर्वरों को ये डाटा प्रोवाइड करती है, अपने सर्वर से दूसरे सर्वर को डाटा प्रोवाइड करती है। तो इसी बात, इसी तथ्य को सामने रखते हुए ही इन्होंने, अर्थात भारत सरकार ने 54 चीनी एप्स को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार भारत की सुरक्षा हेतु खतरा पैदा करने वाले 54 चीनी एप्स पर प्रतिबंध लगाएगी। 54 चीनी ऐप में, इन ऐप में दोस्तों ब्यूटी कैमरा, स्वीट सेल्फी, एचडी सेल्फी, अलीबाबा एंड कमिंग कंपनी, गेमिंग कंपनी जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के ऐप इसमें शामिल होंगे दोस्तों। अब ब्यूटी कैमरा
ये कुछ ब्यूटी कैमरा, स्वीट सेल्फी, अब ये सब तो प्रतिबंधित होने वाली है। अब समस्या है आप लोगों के लिए हो चुकी कि अब ये स्वीट सेल्फी कैसे ले पाएंगे आप, है ना। ब्यूटी कैमरा जो है ब्यूटी कैमरा से कैमरा, है ना। तो याद रहे आप लोगों को, ये जो भी एप्स आपके मोबाइल में डाउनलोड है दोस्तों, जो आसानी से अभी आपको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या कुछ समय बाद में ये ऐप आपको देखने को नहीं मिलेगी, या आपके प्ले स्टोर से गायब हो चुकी होगी। ठीक है, तो इससे पहले भी इस प्रकार का कदम भारत सरकार ने उठाया था 2020 में, और इसी भारत की सुरक्षा को ही, भारत की सुरक्षा के मायने में ही इसको, इसके तहत दोस्तों 270 ऐप पर प्रतिबंध लगाया था। वो वहीं अब इस साल यानी कि 2022 में यह पहली बार है जब सरकार द्वारा ऐप्स पर बैन लगाया जा रहा है। इन ऐप को आईटी कानून की धारा 69A के अंतर्गत अंतर्गत दोस्तों इसको प्रतिबंधित किया गया है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जो भी एप्स को प्रतिबंधित किया जा रहा है सरकार के द्वारा, वो कौन से एक्ट के तहत किया जा रहा है दोस्तों, तो वो किया जा रहा है आपके जो है आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत। ठीक है ना, भारत में पहली बार की अगर हम बात करें, जब सबसे पहले जब एप्स को प्रतिबंधित किया गया था दोस्तों, तो 59 ऐप को बैन किया गया था। इसमें टिकटॉक, शेयर इट, वी चैट, हेलो लाइकी, यूसी न्यूज, बीगो लाइव, यूसी ब्राउजर जैसे कई सारे ऐप इसमें शामिल थे जो काफी लोकप्रिय थे, काफी ज्यादा शोर से चल रहे थे, है ना। और विशेषकर इंडिया में तो आप जानते ही हैं कि सबसे ज्यादा इंडिया में ही इन सब चीजें चलती है, सबसे ज्यादा प्रयोग इन्हीं इंडिया में ही होता है ना। हालांकि कारण कई सारे हैं उसके। तो रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय का कहना है कि ये ऐप चीन जैसे दूसरे देशों में भारतीयों के संवेदनशील डाटा को सर्वर पर ट्रांसफर कर रहे थे। मंत्रालय ने इन एप्लीकेशन को ब्लॉक करने हेतु गूगल प्ले स्टोर समेत टॉप ऐप को भी आदेश दिया है, टॉप ऐप को भी, इनको भी आदेश दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे दोनों टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, कनाडा में आपातकाल और भारत सरकार का बड़ा ऐलान चीनी ऐप को लेकर के दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये दोनों टॉपिक आपको कंप्लीट समझ आए होंगे, एनालिसिस आपका कंप्लीट समझ आया होगा। ज्यादा डिटेल में एनालिसिस नहीं कर पाएंगे दोस्तों, नहीं तो वीडियो क्लासेस जो है हमारी काफी लेंदी हो जाएगी, काफी लंबी हो जाएगी, और मैं चाहता नहीं हूँ कि सुबह सुबह आपका टाइम ज्यादा ले लिया जाए। चलिए दोस्तों, आठ क्वेश्चन है, उन पर हम बात करेंगे, जिसमें तीन फैक्ट को हम कवर करेंगे, असम सरकार, सोलोमन द्वीप और कोरोना वायरस। ठीक है, इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको दोस्तों हम वन लाइनर फैक्ट के तहत आपको लेकर आएंगे। चलिए सबसे पहला है, रेल मंत्रालय ने हाल ही में कहा है कि उसने उसने दिल्ली दिल्ली के किशनगंज में अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण कुश्ती अकादमी बनाने के लिए जितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तो दोस्तों रेल मंत्रालय दिल्ली के किशनगंज में सर्व सुविधाओं से परिपूर्ण कुश्ती अकादमी बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं दोस्तों। तो ये आपका आंसर रहा 30.76 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जिसने हाल ही में सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है, तो सोलोमन द्वीप क्यों प्रचलित है दोस्तों अभी फिलहाल में? तो वो इसलिए क्योंकि अभी अभी अमेरिका ने यहाँ पर दूतावास खोलने की बात की है, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम सरकार ने हाल ही में देश के जिस प्रतिष्ठित उद्योगपति को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की बात की है या देने का प्रदान किया है, वो प्रतिष्ठित इंसान कौन है? तो दोस्तों रतन टाटा को असम सरकार ने जो है अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य के पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है, कौन सा राज्य है दोस्तों जिसने पुलिस के स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है शस्त्र लाइसेंस के रूप में? तो वो है दोस्तों दिल्ली है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में जिसने पदभार संभाल लिया है, जिसने पदभार संभाले हैं, उनका नाम है चिन्नरा पोनप्पा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने जिसे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है, तो कौन है कोलकाता नाइट राइडर्स के
नए कप्तान तो दोस्तों ये है श्रेयस अय्यर साहब। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अवकाश प्राप्त जिस वाइस एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है, तो ये है जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति एर्दोगन राष्ट्र ये दोस्तों यहाँ पर मिसप्रिंट है ना, राष्ट्रपति एर्दोगन ने तुर्की देश का नाम बदलकर क्या कर दिया है दोस्तों? तुर्की का नाम बदल चुका है और तुर्की का नाम बदल करके अब हो चुका है दोस्तों वो तुर्कीये, तुर्कीये, अब तुर्की के पीछे या जुड़ गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों इस प्रकार से हमारी सीरीज आज की होती है कंप्लीट। उम्मीद करता हूं कि आपको कंप्लीट दोनों टॉपिक समझ आए होंगे और जो 8 हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं दोस्तों, इसलिए बने रहे सीरीज में। इसी प्रकार से प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको इस सीरीज कंटिन्यूअसली मिलती रहेगी दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।